हिमाचल प्रदेश के चंबा नाम के सुंदर कस्बे में एक दुखी राम नाम का आदमी अपने भाई सुखी राम और पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। दुखी राम और उसका भाई सुखी राम दोनों ही गांव में खेती किया करते थे और फल सब्जियां वगैरह उगाकर बाजार में बेचते थे। सुखी राम हमेशा अपने आप से खुश रहता था, जबकि दुखी राम उससे बिल्कुल विपरीत था। एक दिन सुबह सुबह दोनों भाई अपने अपने खेत में काम करते हुए, कल रात को इतनी बारिश हुई लेकिन पता नहीं क्या मेरी जमीन की तो ढंग से सिंचाई भी नहीं हुई है, लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। अरे भाई, भला मैंने कौन से यहाँ पर स्पेशल बादल अपने खेतों पर बरसाए हैं? हैं? बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई है। रहने दो, तुम देख नहीं रहे हो है? मुझे फावड़ा चलाने में भी आफत हो रही है, कितनी सख्त है मेरी जमीन, और खुद देखो आधा खेत खोद दिया तुमने है? प्यारे भाई, हम दोनों सुबह साथ में खेत में आए थे, तब से मैं खेत में लगातार लगा हुआ हूँ और तुम कभी मुझे देख रहे हो कभी आराम में लग जाते हो। शिकायत छोड़ो, काम करो। अरे जाओ जाओ, बड़े आए नसीहत देने वाले है? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, सुबह सुबह बिल्ली जो रास्ता काट गई थी। शाम को खेत से वापस लौटते वक्त, भाई आजा साइकिल पर बैठ जा, साथ में घर पहुंच जाएंगे। अब इतना बोल ही रहे हो तो चलो छोड़ दो घर तक। सुखी राम और दुखी राम दोनों एक साथ खेतों के बीचों बीच से साइकिल पर घर की तरफ आ रहे होते हैं। अरे भाई, कौन कहता है कि सुख के वक्त दुख नहीं होता और दुख के वक्त सुख? सुख दुख दोनों साथ में आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर सुखी राम साइकिल कनुआ की दुकान के पास रोक कर कहता है, अरे कनुआ भाई, मेरे भाई का नाम दुखी राम है पर वो हमेशा प्रसन्न चित्त ही रहता है, समझे? दुखी राम परेशान होकर साइकिल से उतरता है और उतरते वक्त उसकी धोती साइकिल की चेन में अटक कर फट जाती है। अरे अरे, रहने दो सुखी राम, तुमने जानबूझकर मुझे साइकिल पर बैठाया था ताकि गांव वालों के सामने मेरी धोती फाड़ सको। ए भगवान, कैसा भाई दिया है मुझे, मेरी किस्मत में कितने दुख लिखे हैं। लो भाई, कथा शुरू हो गई, अब बताओ सुखी राम, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? ऐसी लीला तो हमारे चंबा में ही देखने को मिलती है, जहाँ सुखी राम हमेशा खुश और दुखी राम रोता हुआ मिलेगा। सुखी राम, तुमने आज बहुत गलत किया है मेरे साथ। भाई मैंने तो तुम्हारी मदद की थी बस। अरे सुनो भाई, शाम के वक्त चाय की टपरी पर कुछ लोगों के साथ मुखिया भी गप्पे लड़ा रहा होता है, तभी वहाँ दुखी राम आता है। आओ भाई दुखी राम, कैसे हो? अरे रमेश, अरे दुखी राम के लिए चाय का गिलास लाओ भाई। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद। लो भाई गर्मा गर्म चाय पियो। दुखी राम चाय लेता है और पीने लगता है। अरे साथ में मट्ठी तो दो रमेश भाई, दुखी राम को अकेले चाय पिलाओगे बस है? रमेश मट्ठी भी दुखी राम को देता है। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है मेरा, चाय फ्री में और साथ में मट्ठी भी। अच्छा भाई रमेश, चलते हैं है? चाय के पैसे का तो तुझे समझा दिया है। जी मुखिया जी, ठीक है। रुकिए मुखिया जी, मैं भी चलता हूँ, मुझे काम से पठानकोट के लिए बस पकड़नी है, वो मेरी बुआ हॉस्पिटल में है वहाँ। और कलुआ मुखिया जी के साथ वहाँ से खिसक लेता है। अरे रमेश भाई, क्या मस्त चाय बनाई है आपने, मजा आ गया। अच्छा रमेश भाई, चलता हूँ, जरा मुझे काम से जाना है। हाँ भाई, काम से सबको ही जाना है, तुम्हारा टोटल 90 रुपए हो गया, 3 चाय और 3 मट्ठी। हैं, क्या बोल रहे हो रमेश भाई, मुझे तो चाय मुखिया जी ने पिलाई है ना। खाक मुखिया जी ने पिलाई है, उन्होंने कहा था कि आज की चाय मट्ठी दुखी राम की तरफ से है, और जब वो गए तब बता कर गए कि चाय का हिसाब मैं तुमसे कर लूं। अरे ये बुढ़ऊ मेरा उल्लू बना गया, किसी दिन इसे नदी में धकेल दूंगा, बता रहा हूँ।
और न चाहते हुए भी सारे पैसे देकर बड़बड़ाता हुआ रावी नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठकर अपनी जिंदगी को कोसने लगा। क्या बेकार जिंदगी है इंसान की, बस दुख तकलीफ है और मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी है। धिक्कार है मुझे इस जिंदगी पर। तब दुखीराम सामने खुले आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखता है और देखते ही देखते वो बाज आसमान से नीचे जमीन पर डुबकी लगाते हुए अपने पंजों में एक सांप को दबोच लेता है और दुखीराम के बिल्कुल सामने एक सूखे हुए पेड़ पर बैठकर उसे खाने लगता है। अरे वाह, क्या शाही जिंदगी है इस बाज की। देखते ही देखते बाज अपने शिकार को खा लेता है और वहाँ से फिर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ जाता है। मजा आ गया देखकर भाई, सच में राजाओं की जिंदगी जीता है ये बाज। काश मैं इंसान ना होकर बाज होता। हे भगवान, मुझे नहीं रहना इस इंसानी वेश में, मुझे इस बाज की तरह आसमान में उड़ना है। ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन, बस आजादी से उड़ो और जब मन आए शिकार करो। मजे की जिंदगी चाहिए मुझे। तभी वहां अचानक से दुखीराम के पीछे से एक बूढ़े गड़रिये की आवाज आती है। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी हो अपनी जिंदगी से? अरे आप कौन हो बाबा, पहले कभी नहीं देखा आपको। मेरी बात छोड़ो बेटा, लेकिन इस अनमोल जिंदगी को क्यों कोस रहे हो? मानव जन्म तो करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, तुम क्यों परेशान हो? अरे बाबा, वैसे ही जिंदगी में कम दुख है जो तुम और अपने प्रवचनों को सुनाने आ गए। जाओ जाओ, अपनी भेड़ बकरियां चराओ। कई बार सच्चे दिल से कही बात सच हो जाती है, तो हमें हमेशा जो भी कहना चाहिए बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर सच्चे दिल से कही बात सच होती ना, तो मैं अभी बाज बनकर नीले गगन में उड़ जाता। सोच लो बेटा। ए चाचा, आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अभी आप तथास्तु बोलोगे और मैं बाज बन जाऊंगा। तथास्तु। और देखते ही देखते दुखीराम बाज में बदल जाता है और नीले आसमान में उड़ जाता है। अरे वाह, अरे ये चाचा तो सच में भगवान का रूप निकले। अरे मैं तो बाज बन गया। अरे अरे, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। अरे अरे वाह, अरे वाह, मैं बाज बन गया। अरे वाह, मजा आ गया। अब जब चाहे खाओ, जब मर्जी मौज उड़ाओ। है पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। उसके बाद दुखीराम पूरे दिन मस्ती से आसमान में उड़ता रहता है। शाम के वक्त जब दुखीराम थक गया तो रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। काफी थकावट हो गई आज, ना भूख भी लगने लगी है। अरे वाह, क्या बात है, मुर्गियाँ, वो भी सुखी भैया की मुर्गियाँ। अब देखो कैसे गायब करता हूँ इन्हें। और दुखीराम आसमान से डुबकी लगाकर सीधे सुखीराम के आंगन से मुर्गी को दबोच लेता है और मजे से एक पेड़ पर बैठकर खाने लगता है। देखा कितना बुद्धिमान हूँ मैं, इंसान बनकर हमेशा सबने मेरा मजाक उड़ाया। अब मैं मर्जी से जब चाहो जहां चाहो शिकार करके मजे की जिंदगी जीऊंगा। चलो अब इस मुर्गी से पेट भरता हूँ। दूसरी तरफ आंगन में अपनी मुर्गियों को कम पाकर सुखीराम। अरे ये मेरी एक मुर्गी कहाँ गई? सब जगह ढूंढ लिया, अब तो शाम का वक्त है, लगता है कोई नेवला या बाज उसे दबोच ले गया। कल से इन्हें दड़बे के अंदर ही दाना डालूंगा, नहीं तो सब गायब हो जाएंगी। उस रात दुखीराम पूरी रात एक पेड़ पर बैठकर बिता देता है और अगली सुबह। अरे वाह, क्या सुहानी हवा चल रही है, लेकिन यहाँ मजा नहीं आ रहा। चलो बादलों के ऊपर चलकर हवा खाता हूँ। दुखीराम उड़ान भरता है और कुछ ही वक्त में आसमान में बादलों के ऊपर चला जाता है।
है ना जिंदगी के असली मजे। मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ और उधर मेरा बेवकूफ भाई खेतों में अपना समय बर्बाद कर रहा होगा। हाँ, कितना बुद्धू है बेचारा सुखी राम। तभी कुछ बदमाश कौवे आकर दुखी राम की पीठ पर बैठ जाते हैं। अबे कल्लुए, अबे अबे कल्लुए, अबे मेरे पीठ पर क्यों बैठ रहा है, हैं? अबे वो तेरे अपने पंख काम नहीं कर रहे हैं क्या? अबे 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 नीचे नीचे उतर, चल चल हट बे। कौवे नहीं मानते और उसको चोंच भी मारने लगते हैं। अबे अबे ये तो ज्यादा हो रहा है, अभी बताता हूँ रुको। दुखी राम बादलों के ऊपर की तरफ उड़ान भरता है और कुछ ही देर में ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कौवे नीचे भाग जाते हैं और दुखी राम बादलों के ऊपर उड़ जाता है। अबे है क्या हुआ, सवारी नहीं करनी? भाग कहाँ रहे हो बे, बैठो अब। बड़े आए दुखी राम को परेशान करने वाले। उसके बाद दुखी राम की नजर चाय की टपरी पर बैठे मुखिया और कलुआ पर पड़ती है। अरे वाह रे मुखिया, चाय के पैसे मुझसे दिलवाए थे ना, रुक आज तेरी पगड़ी सरेआम उछालता हूँ, रुक तू। दुखी राम उड़कर जाता है और मुखिया की पगड़ी लेकर उड़ जाता है। अरे बचाओ, अरे अरे भैया बचाओ, अरे ये बाज मुझ पर हमला कर रहा है, अरे मेरी पगड़ी कहाँ ले जा रहा है, अरे रुक जा। अरे अरे मुखिया जी ये क्या, आपकी तो सारी खेती उजड़ी हुई है। अबे चुप कर हरामी। और बाज के पीछे कुछ देर तक भाग कर रुक जाते हैं। अरे मर गया, अरे करम जले कलवा कहाँ गया रे, मेरी पगड़ी लेकर। सारे गांव में किसी को नहीं पता कि मैं गंजा हूँ, जल्दी जा मैं यहाँ पेड़ के पीछे छिपा हूँ। अरे मुखिया जी वो बाज है, वो तो सामने आसमान में गायब हो गया, कहाँ से लाऊं आपकी पगड़ी। दोपहर के वक्त सुखी राम घर पर। आज दो दिन हो गए दुखी राम घर पर नहीं आया है, वो सही सलामत तो होगा ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप क्यों फिक्र करते हो, कहीं अपने दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ अनहोनी का अंदेशा सा लग रहा है, वो इतना वक्त घर से दूर कभी नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूँ गांव वालों से कुछ जानकारी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। उसके बाद सुखी राम सीधा कनुआ नाई के पास जाता है। कैसे हो कनुआ भाई? बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? कैसे आना हुआ, बाल कटवाने हैं या हजामत? नहीं नहीं भाई, आज अभी कुछ नहीं करवाना है, बस जानकारी चाहिए थी कि कहीं दुखी राम को देखा हो तो। अरे उसको तो परसों पप्पू ने रावी नदी के किनारे पहाड़ी के छोर पर बैठे देखा था, उसके बाद किसी को नजर नहीं आया। नहीं नहीं भाई, मेरा भाई कहीं लोगों की बातों को दिल में लगाकर रावी में तो नहीं कूद गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परेशान मत हो सुखी राम, लेकिन अगर दो दिन से गायब है दुखी राम तो कुछ गड़बड़ तो जरूर है भैया। गांव के लोग और सुखी राम सब जगह दुखी राम को ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता और थक हार कर उसे लापता मान लेते हैं। उधर पेड़ पर बैठा दुखी राम सब देख रहा होता है। ए, कितने बेवकूफ हैं बड़े भैया। अरे भैया मैं मजे में हूँ, आप लोग लगे रहो अपनी रोज की घिसाई में। मैं तो चला शिकार करने। उस दिन दुखी राम सब जगह आसमान में सारी जमीन छान मारता है लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। रात होने को आई थी। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, कल सुबह कोई बढ़िया शिकार पकड़ूंगा। आज इस पेड़ पर अपना एक मस्त सा घोंसला बना लेता हूँ, लेकिन ये पेड़ तो कनुआ का है, इसके नीचे वो अपनी दुकान लगाता है। ए, मुझे क्या करना है, मैं तो पेड़ पर रहूंगा। और दुखी राम कुछ लकड़ियों से एक सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें सो जाता है। सुबह सूरज की किरणों के साथ उठता है। बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कोई शिकार ढूंढना होगा।
इसके बाद दुखी राम हर रोज की तरह शिकार ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पूरा दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। दोपहर बाद वो भूख से बेहाल अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। क्या पता आज भैया मुर्गियों को दाना चुगने के लिए छोड़े तो मेरा पेट भर जाएगा। थोड़ी देर में सुखीराम घर से बाहर आता है और सामने बैठे बाज को देखकर, भाग यहाँ से, पहले भी मेरी मुर्गी तू ही ले गया था, और ऐसा बोलकर पत्थर से बाज को उड़ा देता है। अरे भैया मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अब कैसे आपको अपनी बात बताऊँ। वहाँ से उड़कर दुखी राम अपने घोंसले पर आ बैठता है और वहाँ से नीचे काम कर रहे कनुआ पर बीट कर देता है। अरे ये कहाँ से इस आफत ने घोंसला बना लिया यहाँ, रुक तुझे अभी बताता हूँ, और एक पत्थर घुमाकर मारता है जिससे बेचारा दुखी राम वहाँ से उड़ जाता है। अरे अरे अजी पागल है, इतनी जोर से मारता है कोई, अभी मेरा सिर फूट जाता, अब कहाँ जाऊँ, भूख के मारे अब उड़ा भी नहीं जा रहा। तभी रात हो जाती है और एक सूखे से पेड़ पर दुखीराम जल्दी जल्दी में एक घोंसला बनाता है और ठंड में पंखों के बीच गर्दन छुपाकर सो जाता है। आधी रात को बहुत तेज बारिश होती है, सब तरफ तूफान और आंधी चलती है जिसकी वजह से दुखीराम अपने घोंसले के साथ उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। गिरने से उसके एक पंजे में पैनी लकड़ी घुस जाती है। अरे मर गया रे, हाय बहुत दर्द कर रहा है मेरा, पंजा तो गया, अब मैं क्या करूं। जैसे तैसे अपनी चोंच से उस लकड़ी को तो दुखीराम निकाल फेंकता है, लेकिन उसका पंजा अब शिकार नहीं पकड़ सकता था। अब मैं शिकार कैसे कर पाऊंगा, मुझे क्या पता था कि ये मुसीबतें भी होती होंगी बाज बनने के बाद, इससे तो मैं इंसान ही भला था। सुबह होती है, बारिश के बाद सब तरफ हरियाली छा जाती है, सभी किसान खुशी खुशी अपने खेतों पर जा रहे होते हैं और दुखी राम भूख से बेहाल और दर्द से परेशान था। मैं ही पागल था जो बाज बनना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ खाने को ढूंढता हूँ, चल दुखी राम ले अब और उड़ने के मजे। उसके बाद वो फिर हवा में उड़ने लगता है। तभी कुछ बदमाश कौवे उड़ते हुए आते हैं और उनमें से एक दुखी राम की पीठ पर बैठ जाता है और कुछ उसे चोंच मारकर तंग करते हैं। अबे ये क्या कर रहे हो, अरे कहां से आ गई ये बला, अरे भागो यहां से। कौवे नहीं मानते, अभी कुछ खाया पिया नहीं है, नहीं तो बताता तुम सबको। अबे अबे चोंच मत मारो, अबे दर्द होता है। बेचारा दुखीराम क्या करता, वो हवा में और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उड़ नहीं पाता और थक हार कर एक पुराने खंडहर की छत पर जा बैठता है। अगर इंसान होता तो किसी से मदद मांग लेता, किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेता, लेकिन अब ऐसी हालत है कि कोई भी ना तो मेरी बात सुन सकता है और ना मेरा दुख समझ सकता है। मैं क्या करूं, क्या करूं, भगवान मुझसे गलती हो गई, इंसान को भगवान जितना दे जैसे दे उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए और खुशी से जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, जैसे मेरे भैया सुखी राम जी कर रहे हैं। मेरी तरह हमेशा शिकायत करोगे, रोते रहोगे तो अंजाम वही होगा, क्योंकि भगवान हमें वही देता है जो हम मानते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, दुखी राम बहुत कमजोर और मरने की हालत में था। तभी अचानक उसके सामने एक मरा हुआ चूहा आ गिरता है, जिसे देख दुखी राम को एक आस होती है कि शायद वो बच जाएगा। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसे खाकर कुछ तो जान आएगी। लेकिन जैसे ही दुखी राम अपनी चोंच से चूहे को खाने की कोशिश करता, वो खा नहीं पाता क्योंकि उसकी चोंच आगे से मुड़ चुकी होती है।
मेरी चोंच को क्या हो गया? ये कैसे मुड़ गई? मैं तो भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे अंदर वो ताकत भी नहीं कि मैं अपनी चोंच को तोड़ूं और नई चोंच आने का इंतजार करूं। ये कहता हुआ बेचारा दुखी राम बहुत रोता है, लेकिन मजबूर कुछ नहीं कर पाता। इस तरह दुखी राम उस पुराने से खंडहर में कई दिनों तक भूखा प्यासा पड़ा रहा और अंत में अपना दम तोड़ दिया। हमें अपने इस बहुमूल्य जीवन को भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए हंसी खुशी अच्छे कामों को करते हुए जीना चाहिए।